कितना इंतजार कराएंगे? हम सबको एक साथ देखकर जीनू का चेहरा देखने वाला होगा। अब तो ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि और कितनी दुआ करोगे। जिनू को आजाद भी तो करो। बिल्कुल आका, ये आपकी दुआओं का ही नतीजा है आका कि आपको आपका भाई वापस मिलने जा रहा है। अब देर मत कीजिए। बार कोशिश करता हूं। ये जिनू हमेशा ऐसा ही करता है, एक बार सो जाता है तो उठने का नाम नहीं लेता है। एक बार और कोशिश कीजिए आका। एक बार और कोशिश करता हूं मैं। नहीं जीनू, कहाँ होगा, कैसा होगा? मेरा जीनू बहुत भोला है। पिछली बार उसने कई चिरागों का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया था और इस बार इस एक नकली चिराग से। यानी सच्चाई की ऐनक बेकार है? उसने तो हमें यही चिराग जफर को छुपाते हुए दिखाया। सच्चाई की ऐनक बेकार नहीं है, सच्चाई की ऐनक ने हमें सही दिखाया था। गलती हमसे हुई। जफर ने यही चिराग अपनी जेब में रखा था। हमने ही इसे देखने में गलती की है। हम ही नहीं पहचान पाए कि ये असली है नकली। हो ना हो, ये नकली चिराग जफर ने जिनू से ही बनवाया होगा और उसके बाद उसे चिराग में कैद कर दिया होगा। पहले इस्तेमाल करो और उसके बाद जब दिल भर जाए तो फेंक दो। यही उसने मेरे साथ भी किया और अब जिनू के साथ भी। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो गया है। चाचा, तुम्हारे 1500 साल के तजुर्बे ने यही सिखाया है कि छोटी सी मुसीबत आए तो परेशान हो जाओ। चीनी जैसी मीठी तुम हो जीनी मीनी, तुम पे सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है इसलिए खुश रहो। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में अंगूठी में अंगूठी छाप। निराश मत हो डोली, सफर ने हमारे यानी अलादीन के भूत के साथ चालबाजी तो की है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि अलादीन के भूत के पास उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। वो सबूत जो सफर ने खुद अलादीन के भूत को दिया था।
उसके सामने सच कबूल करके। कल रात को मैं ये सच पूरी दुनिया के सामने दे दूंगा, पूरी दुनिया के सामने। जफर का झूठ हारेगा और हम जीतेंगे, और हमारा जीनू आजाद होगा। पर कैसे आका? देखते जाओ चाचा, रोज रात को चांद निकलता है, कल रात को सूरज निकलेगा, सच का सूरज। उस सूरज की गर्मी से सफर, उसका झूठ, उसके नापाक इरादे सब जल जाएंगे। कल की रात होगी इंसाफ की रात। इंसान झूठ बोलते हैं, पर क्या रूह? रूहें भी झूठ बोलती हैं। शहजादी इस दुनिया में सच भी है और झूठ भी, पर कई बार हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि सामने खड़ा सच भी हम देख नहीं पाते। जिंदा इंसान चीख चीख कर सच कह भी रहा हो तो हम उसे सुन नहीं पाते, लेकिन अगर उस दुनिया से कोई रूह इंसानी दुनिया में आई है तो इसका मतलब है कि वो बेचैन है, परेशान। तब उसका सच किसी ने सुना नहीं, इसलिए वो अब सच कहने आई, इसलिए वो झूठी तो हो ही नहीं सकती। आपको उसे एक मौका देना चाहिए शहजादी। अलादीन के साथ ज्यादती हुई, उसने बादशाह सलामत का कत्ल। या अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया? माफी चाहते हैं खाला, पता नहीं कैसी उलझन है। कसम सोने की अशरफियों की, जिंदगी में एक अरसे बाद कुछ अच्छा होने वाला था। नाजनीन के हाथ सोना लगने वाला था, पर वो कमबख्त बहू वहां भी आके अपनी टांग अड़ा दी। पर वो जानती नहीं नाजनीन किस चिड़िया का नाम है। मैं अपने भूखे नंगे शौहर को शेर के आगे छोड़ सकती हूँ, पर उम्मीद नहीं छोड़ सकती। देखती हूँ इस चश्मे से अब भी शायद कुछ कमाल हो जाए, शायद शायद थोड़ा सा ही सही सोना नाजनीन के हाथ लग जाए। किसे देखूं, किसे देखूं? ये तो मुनासिब ही नहीं, इसने कुछ ना छुपाया हो। इससे तो कुछ नहीं दिख रहा, बेकार हो चुका ये चश्मा। नकचड़ी का काला चोर हूँ, किसी का कातिल नहीं, आज रात मिलेंगे सारे जवाब सही। झूठ के सयाद से बदला लेगा सच का बास, आज रात खुलेगा एक साल पहले दफन हुआ राज।
ये काला चोर क्या साबित करना चाहता है आखिर? हमें किसी सवाल के जवाब नहीं चाहिए, हमें हमें सब जवाब मिल चुके हैं। जलाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा और ना सच झूठ। अलादीन, आपको यहां आने की इजाजत किसने दी? दिल ने। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने पूरे महल में वजीर आलो को ढूंढ लिया लेकिन मुझे कहीं मिले नहीं। मेरे दिल ने कहा कि वो हो ना हो अपने दिल के पास होंगे। देखिए, आपके पास आए हूँ अलादीन के भूत के भेजे हुए पैगाम के बारे में राय जानने के लिए, इसलिए मैं भी चला आया। आपके दिल ने गलत सोचा, वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ होंगे? हमें कैसे पता होगा अली साहब? चलिए छोड़िए, आप मुझे अपनी राय बता दीजिए। देखिए, चलिए छोड़िए, कहीं वजीर आला भाग तो नहीं है? उन्होंने चोरी की है? नहीं। धोखा दिया है? झूठ बोला है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप खुद से ही सोचे जा रही हैं। उफ, आप चलिए छोड़िए, ये दिखाइए। अरे शहजादी, झूठे दावे करने में अलादीन के भूत का जवाब नहीं। ये बताइए, ये आपका गुनहगार है ना? आपको भी शहजादी ऐसे पैगामों पर गौर नहीं करना चाहिए। मैं होता ना तो अब तक इसको जला दिया होता। वो कातिल है, गद्दार है, सिर्फ नफरत के लायक है। उसने कहा है, वो सबके सामने साबित करेगा। अब हमारा मतलब है कि वो उसने कहा था सबके सामने साबित करेगा, तो देखेंगे हम भी। अगर उसने सच साबित कर दिया तो, अगर उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो क्या आप कहना चाहते हैं? बस इतना कि अगर आज उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो फिर आप उसकी गुनहगार हो जाएंगी। या आपने उसे उस जुर्म के लिए उसकी जान ले ली जो उसने किया ही नहीं था। अगर आज उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो चलता हूं। वजीर आला कहाँ है? वजीर आला, वजीर आला, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हुजूर, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये तो तकलीफ है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो अलादीन का भूत खुले में घूम रही है और आप लोग अब तक उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। वजीर आला, भूल गए आप, हम वो मटकी लाए थे जादू वाली तिलस्मी, वो रूप पकड़ने वाले से चीटियां थी उसमें। याद, दरअसल मसला ये है कि हम चाहते हैं कि उस अलादीन की भूत की काट को पकड़े, ना कि उसे चीटियों से कटवाना चाहते हैं। बेवकूफ औरत, आप दोनों आप, मैं आपको बहुत शातिर समझता हूँ। समझना क्या हम है ही। लेकिन आज हम आपको ऐसी सजा देंगे कि आप अपनी सारी समझदारी भूल जाएंगे। रहम वजीर आला, रहम, एक और मर्तबा माफ कर दीजिए हमें। एक मर्तबा जी हुजूर, बस एक बार। अब बहुत हो चुका, सिपाहियों इन दोनों को ले जाकर ऐसी सजा दो कि ये चाहें अपनी सांसें लेना भूल जाएं, लेकिन सबक नहीं भूले। ए, ए,
उलझन, धोखा, नाइंसाफी। प्रीति, तुम ठीक हो? या अल्लाह, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं प्रीति। सच और झूठ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। सही सही और गलत में उलझ गए हैं हम। हमें शहजादी, खुदा के लिए आप ऐसा मत कहिए। आप इस मुल्क की शहजादी है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी दोस्त हूँ, बस मेरा इतना हक तो है कि मैं आपसे ये पूछ पाऊँ, आप आखिर इतनी परेशान क्यों है? शहजादी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपकी परेशानी की वजह क्या है, कौन है? आपने जिस जुर्म के लिए उसकी जान ली थी वो उसने किया ही नहीं था। अलादीन की रूह, अलादीन की रूह, अलादीन की रूह किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने मुझ पे जानलेवा हमला किया, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों को खुदा का वास्ता, मुझे बचा लो, किसी को नहीं छोड़ेगी। अलादीन की रूह किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे अब्बू यानी उमर को हमने मारा, बादशाह सलामत का कत्ल भी हमने किया और उसके वज में इल्जाम तुम पर लगाकर तुम्हें जिंदा भी हमने चुनवाया और बहुत जल्द ये पूरी खाइनात हमारे सामने सर झुकाएगी। अंगूठी छाप की अंगूठी ने अपना काम कर दिया। अब इसकी मदद से आज रात पूरा बगदाद दरिंदे जफर के सच से वाकिफ हो जाएगा। आज रात जफर का खेल खत्म। उसका सच जानकर आवाम उसे मुआफ नहीं करेगी आका। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा है। मुझसे भी, मेरी भी बेगुनाही साबित हो जाएगी और मेरी अम्मी, मेरी नकचड़ी, मेरी जिंदगी तीनों मुझे वापस मिल जाएगी। और आपका भाई चीनू, उसका क्या? जिन्हों के बिना मेरी जिंदगी और हमारी जीत दोनों अधूरी है जिनी मिनी। एक बार जफर का पर्दा फाश हो जाए फिर मैं अपना
तो रुक का इक्का चलूंगा। सफर, तूने जुल्म की कहानी शुरू की थी, खत्म मैं करूंगा आज रात। मैं आ रहा हूं।